मियां साहब की वापसी से मुतालिक टिकट कॉन्फर्मेशन अब जराए कह रहे हैं कि कंफर्म हो गया है, तो आपके पास क्या इत्तलात है, क्या ये खबर दुरुस्त है, टिकट कॉन्फर्मेशन है और रूट क्या होगा? जी जी बिल्कुल, हमें तो उस वक्त से कंफर्म है जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होकर अनाउंस किया था। और जाहिर है कि एक तबका है जो अपनी आदत से मजबूर है और प्रोपोगंडे मतलब करता है कि कभी, चूंकि उनके उनकी ड्यूटी अल्लाह ताला ने नेगेटिव शायद कामों के उनको ज्यादा वो मतलब है कि उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अलबत्ता पीएमएलएन में तो कोई दूसरी राय नहीं, अल्लाह के फजल करम के साथ इंशाअल्लाह ताला बफजल ताला 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब। मैं टिकट कॉन्फर्मेशन का सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि वो टेक्निकल लैंडिंग की बात भी हो रही थी कि वो इस्लामाबाद में कयाम करेंगे उसके बाद लाहौर पहुंचेंगे, कोई ऐसी इत्तलात भी है कि पहले इस्लामाबाद जाएंगे फिर लाहौर आएंगे? जी देखें, मुझे रूट का तो नहीं अंदाजा, लेकिन मुझे ये पता है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो 21 तारीख को मीनारे पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम से खिताब करेंगे और वो कारकुनान जो कि बेताबी के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं, गली कूचों में रौनकें हैं। मैं इस्तकबाल की तैयारियों पर भी आता हूं सर, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक लीगल टीम अदालत का दरवाजा खटखटाने नहीं पहुंची है, यानी अदालत से रुजू नहीं किया उनकी लीगल टीम ने, और उनकी आमद में अब घंटों की बात है, मुश्किल 3 रोज रह गए हैं, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? देखें, अरफान सिद्दीकी साहब ने आज ट्वीट की थी कि नवाज शरीफ साहब वापसी पर तमाम कानूनी तकादे पूरे करेंगे, और जो लोग गलत फहमियाँ डाल रहे हैं या जो लोग अभाम डालना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी में, उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये काफी बात है और 21 तारीख को नवाज शरीफ आ रहे हैं। जाहिर है वो तो उस वक्त भी उन्होंने कानून के आगे सरेंडर किया था जब उनको झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाई गई थी, जब उनकी मैं जानना ये चाह रहा हूँ ना सर कि सरेंडर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने करना है, जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अगर सरेंडर करना है तो उनको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, लाहौर हाई कोर्ट तो एपलेट कोर्ट नहीं है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। जी जी, वो जाहिर है कि जो भी कानून और आइन के तकादे हैं, जब ये एक मैं बात कर रहा हूँ कि वो तमाम कानूनी तकादे पूरे करेंगे, तो वो फिर उनकी जो लीगल टीम है वो बेहतर समझती है कि वो कानून के मुताबिक जो है वो किस अदालत में उन्होंने जाना है, जिस अदालत से उन्होंने मतलब है कि पेश होना है या जिस अदालत के आगे उन्होंने कानूनी तौर पर हाजिरी लगानी, उसी अदालत में यकीनी तौर पर हो जाएगी और रिलीफ मिल जाएगा। नहीं, रिलीफ का तो देखिए, रिलीफ तो हम तो कहते हैं कि ये जो उनके खिलाफ सलाहें थी ये सारा एक ड्रामा था और ये तो एक झूठ पर मबनी मुकदमात थे, तो जाहिर है अदालत से हम तवक्कु करते हैं कि नवाज शरीफ साहब को इस बार लाजमी इंसाफ मिलेगा जो कि पहले नहीं मिल सका। बाय एनी मींस ही विल हैव टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। आपके जो 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत में पीपल्स पार्टी आपकी मरकजी इत्तेहादी रही है, उसके अकाबरीन का ख्याल ये है कि मियां साहब किसी डील के नतीजे में पाकिस्तान आ रहे हैं, और जब डील होती है तो फिर अदालतों से रिलीफ तो मिल जाता है। देखिए, बात ये नहीं है, अगर डील के नतीजे में नवाज शरीफ साहब ने आना होता तो फिर आप बताएं कि जो मतलब है कि ये अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उस फैसले में इस बात पे बहस की जाती है कि जनाब जो साबका केसेज हैं उन पर इतलाक नहीं होगा, तो फिर अगर कोई डील होती तो फिर ये बहस। लेकिन उसका काउंटर तो आपके पास है ना कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद आपकी 5 साल की सजा तो पूरी हो गई। देखिए, बात यह है कि झूठे मुकदमात हैं, गैर आईनी और गैर कानूनी मुकदमात हैं, उनमें इंसाफ मिलना नवाज शरीफ साहब को उसी तरह से जरूरी जिस तरह से हर पाकिस्तानी का हक है। मुझे बताइए अब आपकी तैयारियां कैसी हैं? मैं मुस्तफा नवाज खोकर साहब का स्टेटमेंट देख रहा था, वो कहते हैं कि उतनी बड़ी तादाद में लोग नून लीग इकट्ठे नहीं कर सकती जितनी तादाद में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान आमद पर लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने इस्तकबाल किया था, एक फकीदुल मिसाल इस्तकबाल था। देखिए, हमारा कोई मुकाबला मोहतरमा बेनजीर भुट्टो या किसी और जलसे से नहीं है। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हर गली कूचे से, हर शहर से मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए लोग आ रहे हैं, और जब इधर लोग पहुंच जाएंगी तो हर आंख देख लेगी, कैमरे की आंख भी देखेगी, अवाम की आंख भी देखेगी कि अवाम का किस तरह से जमे गफीर जो है वो नवाज शरीफ साहब का वालेहना इस्तकबाल करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल है, जिस तरह से
कि पाकिस्तान और पीएमएलएन के जो कारकुनान हैं और पाकिस्तान के अवाम पुरजोश तरीके के साथ गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, केपीके, सिंध, कराची, बलूचिस्तान, हर जगह से काफरे उनके उनके इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इत्तेमाल। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी समेत कुछ सियासी अकाबरीन का ख्याल ये है कि मियाँ साहब भी आ रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत अच्छा हो जाएगा अगर चेयरमैन पीटीआई के साथ भी मामला तय हो जाए, यानी उनको भी इलेक्टोरल फील्ड में उतार दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यू एग्री विद दिस? देखिए बिल्कुल आपकी बात इस हद तक तो ठीक है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अब खैर कोई बदले वाली बात नहीं है, मतलब 2018 में जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को और हमारी पीएमएलएन की तमाम लीडरशिप को झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाकर सलाखों के पीछे भेजा गया था, जिस तरह से दो दो साल जमानतें भी नहीं हुई थी, जिस तरह से हमारे लोगों की वफादारियां तब्दील करवाई गई थी और जिस तरह से विक्टिमाइज किया गया और आरटीएस सिस्टम के जरिए फिर भी वोट चोरी करना पड़े, तो इससे हटके 9 मई के जो वाकयात हुए हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के शहदा की यादगारों को तोड़ा गया है, जिस तरह से शहदा के मुजस्मों को जो है तोड़ा गया, जिस तरह से मोटरवेज जलाए गए, एमएम आलम का जहाज जो है उसको आग लगाएगी, सरगोधा में एयरफोर्स के जो जहाज थे उनको जिस तरह से आग लगाएगी, जिस तरह से अदालतों में उसने आग लगाएगी, तो ऐसी पार्टी मैं नहीं समझता कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। हर सियासी पार्टी के साथ डायलॉग होना चाहिए लेकिन पहले ये क्लियर करना होना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब, हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ स्ट्रगल कर रही है, आज भी तहरीक इंसाफ का एक वफ सदर मुमलिकत से मिला है, रऊफ हसन साहब और बैरिस्टर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीगल फ्रटर्निटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी उनकी मुलाकात हुई है और कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जा सके, रिवाइवल हो सके पीटीआई का, लेकिन पीटीआई शिकस्त और रेखत का भी शिकार है, टूट फूट भी हो रही है। गुज़श्तर उस फरूख हबीब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, अब नेक्स्ट कौन होगा ये भी मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, लेकिन पहले ये क्लियर करना होना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब, हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ स्ट्रगल कर रही है, आज भी तहरीक इंसाफ का एक वफ सदर मुमलिकत से मिला है, रऊफ हसन साहब और बैरिस्टर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीगल फ्रटर्निटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी उनकी मुलाकात हुई है और कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जा सके, रिवाइवल हो सके पीटीआई का, लेकिन पीटीआई शिकस्त और रेखत का भी शिकार है, टूट फूट भी हो रही है। गुज़श्तर उस फरूख हबीब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, अब नेक्स्ट कौन होगा ये भी मिलियन डॉलर क्वेश्चन है।